हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाले हैं कि वाईफाई कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। चाहे अपने गर्लफ्रेंड को कॉल कीजिए तब, या अपने घर के फैमिली को, या अपने फ्रेंड को, या किसी को भी वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को वही सिखाने वाले हैं कि आप अपने किसी भी को यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग कैसे किया जाता है। आप लोग को मालूम नहीं है और पता नहीं है, चाहे आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में वहाँ पर वाईफाई कॉलिंग किस तरीक़ा से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आप लोग को वही बताने वाले हैं, वही सिखाने वाले हैं। अगर आप वाईफाई कॉलिंग सीखना चाहते हैं कि कैसे किया जाता है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना है, तभी आज की इस वीडियो के हेल्प से आप सीख कर और उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भाई की इस वीडियो को लाइक कर दो, उसके साथ साथ यहाँ पे वीडियो के नीचे एक लाल वाला होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाद में एक बेल आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इससे आपको ये फायदा है कि इसी तरह का कोई भी टिप्स एंड ट्रिक या कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग देख सकते और कुछ नया सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको उसके लिए करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है। कोई भी आपके पास फ़ोन है वो उसमें आपको फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों सबके फ़ोन में एक ऑप्शन आता है, सेटिंग में मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क का आपको एक ऑप्शन दिखने का, इसके आपको क्लिक करना है, ठीक है गाइस। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपका जिस नंबर पे, जिस सिम पे या जिस नंबर पे वाईफाई कॉलिंग सेट करना चाहते हैं और कॉलिंग करना चाहते हैं, तो उस नंबर वाले को आप पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएगा और इसमें ध्यान से देखना है, और आगे बहुत ट्रिक बताने वाले और बहुत सिखाने वाले आगे, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। गौर से और ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे आप में रहेगा ऑफ रहेगा, इस तरीका से आप में ऑफ रहेगा ना, तो इसको फाइनली क्या करना है, यहाँ पे ऑन कर देना है गाइस। ऑन जैसे कीजिएगा, ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रेफरेंस टाइप में यहाँ पे आपको कर देना है 4G डाटा पे आपको टिक कर देना है, ठीक है गाइस। 4G डाटा पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको करना है ऑपरेटर में आपका जिस कंपनी के यहाँ पे है उसमें ऑटो सेलेक्ट पे आपको ऑन कर देना है, ठीक है। ऑटो सेलेक्ट पे करने के बाद ये देख सकते हैं, ये सब सेटिंग आपको कर लेना है, ठीक है। ये सेटिंग करने के बाद सिंपली मैं पूरा बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको करना है इस पर क्लिक करके, और अपने फ्रेंड को या किसी को भी आप कॉल लगाइएगा तो वहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इसी तरीका से अपने किसी भी फ़ोन को वाईफाई में कैसे करें और वाईफाई कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीका से सेटिंग को ऑन करके, सेटिंग करके आप किसी को भी वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों वाईफाई कॉलिंग वह होगा जब आप अपने नेट को बंद कर देंगे और उसके बाद किसी के हॉटस्पॉट से या किसी भी वाईफाई से यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, तभी आपका वाईफाई से कॉलिंग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे नेट खुला हुआ है और यहाँ पे ऑन, तो वहाँ सेटिंग में जाकर ऑन तो कर दिए वाईफाई कॉलिंग का और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा जब भी वाईफाई कॉलिंग नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे इसको नेट को बंद कर लेना है और वाईफाई को क्लिक करके और अपने दोस्त के या आप आसपास के या किसी के मोबाइल को हॉटस्पॉट खोल के और अपना वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है, और वाईफाई को कनेक्ट करके ही आप किसी को भी कॉल लगा सकते हैं। वाईफाई उसी को कहते हैं वाईफाई कॉलिंग दोस्तों। तो इसमें आप लोग को यहाँ पे आज के इस वीडियो से सीख लिए हैं कि इसी को बोला जाता है वाईफाई कॉलिंग। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि वाईफाई कॉलिंग किसको कहते हैं और वाईफाई कॉलिंग कैसे कहा जाता है और कैसे लगाया जाता है। तो आप लोग इसी तरीका से वाईफाई कॉलिंग को लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक लाल बटन है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में एक बेल आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके भाई का आने वाला कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए यही था। चलिए फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।